हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निकल चुके हैं जनपद मार्केट की ओर, जो है कन्नौट प्लेस में। तो आइए आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे इस सफर में। तो चलिए शुरू करते हैं। जनपद मार्केट कन्नौट प्लेस के आउटर सर्कल में लोकेटेड है और ये फेमस है अपनी स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ मज़े लीजिए इस मार्केट के। जनपद मार्केट के बाहर वाली स्ट्रीट पे हम शुरू कर रहे हैं तिब्बत मार्केट से। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, सब कुछ मिलेगा। इस तिब्बतन मार्केट में आपको कपड़ों से लेकर कुर्तीज, शॉल्स, हाउस डेकोरेशन, सब कुछ आइटम बहुत ही खूबसूरत मिल जाएंगे। ये देखिए, हमें यहाँ पर मिली बहुत ही कमाल की ज्वेलरी शॉप। यहाँ पर आपको शेल्स ज्वेलरी, जंग ज्वेलरी और बहुत ही खूबसूरत और प्यारे फंकी ब्रेसलेट्स भी मिल जाएंगे। इस शॉप का नंबर है 102, प्लीज़ डू चेक इट आउट। तिब्बतन मार्केट की पहली लेन ख़त्म करके हम घुसे जनपद बाज़ार में। तो चलिए अब मज़ा लेते हैं जनपद मार्केट का। जनपद मार्केट में एंट्री लेते ही लेफ्ट साइड पर आपको मिलेंगे ये वास प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर से और आर्टिफिशियल फ्लावर्स बेचते हुए एक भैया। मुझे यहाँ पर ये वास बहुत ही खूबसूरत लगा। ये लोग जनरली इन्हें 100 से 300 रुपए तक का बेच रहे थे। और फिर हम गए राइट साइड की पहली वाली शॉप पर। यहाँ पर आपको इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस मिल रही थी और ये वाइट वाली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जनपद मार्केट जनरली 10 से 10:30 के बीच में ओपन हो जाता है। अगर आप लोग मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि बार्गेनिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। और फिर हम बढ़े लेफ्ट साइड की आगे वाली लेन्स में, जहाँ पर बहुत खूबसूरत जूट बैग्स, ड्रेसेस, हैंडबैग्स और बहुत ही बोहेमियन काइंड के बहुत ही सुंदर सुंदर बैग्स मिल रहे थे। जनपद मार्केट के राइट साइड वाली लेन में जनरली आपको कपड़े ही मिलेंगे, जैसे कि ड्रेसेस, स्कार्फ्स, टॉप्स, जीन्स एक्सेट्रा, और यहाँ बार्गेनिंग का अच्छा खासा स्कोप होता है, तो प्लीज़ डू बार्गेन। और फिर घूमते घूमते हमें मिली एक 50 रुपीज़ वाली शॉप, जहाँ पर वो भैया सारे शॉप के आइटम्स 50 रुपीज़ में दे रहे थे। इनफैक्ट वहाँ पर काफ़ी सारे साइजेस भी अवेलेबल थे। इस वाली शॉप में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉटन की टी शर्ट्स, ये पर्पल टॉप, इसमें क्वालिटी तो अच्छी थी ही और 50 रुपीज़ में क्या ही मिलेगा यार। जनपद मार्केट में आपको सरोजनी के कंपैरिजन में काफ़ी ट्रेंडी और फैशनेबल टॉप्स और ड्रेसेस मिल जाते हैं। इनकी क्वालिटी तो कमाल होती ही है, प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं, बट यू कैन बार्गेन एंड मैनेज। और फिर हम आगे बढ़े शॉप नंबर 53 में। यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडर्ड काफ्तान्स, लेस वाले टॉप, शीयर टॉप्स और बहुत ही ट्रेंडिंग आइटम्स मिल रहे थे। बिल्कुल गोवा वाली फील आ रही थी। जनपद मार्केट की लेफ्ट साइड पर आपको जनरली बॉयज़ टी शर्ट्स और वुमेन एक्सेसरीज मिल जाएंगी। वहीं पर लेफ्ट लेन में हमें मिली ये अमेजिंग सी बैग शॉप। यहाँ पर इन आंटी के पास शेल्स वाले बैग, बोहो बैग, बहुत ही कमाल कमाल के हैंड बैग्स थे, जो कि आजकल इंस्टाग्राम पेजेस पर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और इनफैक्ट ये काफ़ी अफोर्डेबल और रीजनेबल बेच रही थी। और फिर हम जनपद मार्केट से शॉपिंग ख़त्म करके निकले गुजराती लेन की तरफ। यहाँ पर बीच में आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। इस बीच वाले स्ट्रीट स्टॉल्स पर आपको बहुत सारे कुशन कवर्स, सोफ़ा कवर्स, जूट हैंडबैग्स, बीडेड टेबल रनर कवर्स, इनफैक्ट पोर्टलीज और क्लचेस, सब कुछ बहुत ही ट्रेंडिंग और अमेजिंग मिल जाएगा।
ये एम्ब्रॉयडरीड जूट बैग्स बहुत ही खूबसूरत थे और इनका रेट भैया ने हमें 500 से 800 रुपए के बीच में कोट किया था। और ये देखिए कितने खूबसूरत क्लचेस मार्बल लुक में, एंटीक लुक में। इनफैक्ट ये आजकल आपको अमेज़ॉन मिंत्रा पे बहुत ही हायर प्राइसेस पे मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाएंगे। ये बेड रनर्स, टेबल रनर्स भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये लोग काफ़ी महंगा बेचते हैं तो आपको बार्गेन करना ही पड़ेगा। और फिर हम आगे बढ़े तिब्बत मार्केट की दूसरी लेन में। इस तिब्बतन मार्केट में आपको लेदर की चप्पल्स, होम डेकोरेशन आइटम्स, कितने सुंदर सुंदर एंटीक यूनिक आइटम्स मिल जाएंगे। और इनफैक्ट यहाँ पर आपको कश्मीरी शॉल्स, चिकनकारी कुर्ताज, इनफैक्ट टॉप्स, सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए गाइस, शॉप नंबर 203 में ज्वेलरी पीसेस कितने यूनिक और सुंदर हैं। दे वर लुकिंग वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। और यहाँ पर आपको हैंडलूम की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। और ज़रा इन कुर्तों और काफ्तान्स को तो देखिए, कितने खूबसूरत और प्यारे हैं। चिकनकारी कुर्तों पर तो किसी का भी दिल आ जाए। इस तिब्बत मार्केट की शॉप्स में कुछ सिलेक्टेड पीसेस सेल के लिए भी होते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और ज़रा इन खूबसूरत एंटीक होम डेकोरेशंस को तो निहारिए, क्या ही कहना इनका, कितने प्यारे और लाजवाब लग रहे हैं। ये ब्रास का एंटीक ग्रामोफोन, टेलीफोन, सब कुछ पुराने ज़माने की याद दिला देता है। इन शॉप्स पर आपको गुजरात की चनिया चोली, लहंगे, बच्चों के क्यूट क्यूट ड्रेसेस, सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर स्ट्रीट पे ये मोर पंख बिकते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं। और अब हम पहुंच गए द फेमस गुजरात लेन, जो कि जनपद मार्केट में ही है। ये गुजरात लेन जनपद मार्केट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यहाँ पर आपको सबसे प्यारी और खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर घुसते ही लेफ्ट साइड में सबसे पहली शॉप है बैग की। यहाँ पर ये देखिए कितने प्यारे प्यारे और यूनिक और ट्रेंडी बैग्स मिल रहे हैं। और फिर ये ज़रा जंग ज्वेलरी को तो देखिए, कमाल की लग रही है। यहाँ पर आपको घाघरा चोली, चनिया चोली, बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। यहाँ की ज्वेलरी तो बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी अफोर्डेबल है। और इनफैक्ट यहाँ पे टेबल रनर्स और बीड वाले टेबल रनर्स मिल जाएंगे। आपको थोड़ा बार्गेन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से हम लोगों ने दो बीडेड टेबल रनर्स लिए। पहले तो उन्होंने 800 का बताया था, पर फिर उन्होंने 500-500 का लगा लिया। और ये देखिए एकदम चमक धमक छटाक वाली चनिया चोली। नवरात्रों का सीज़न भी तो आ रहा है गाइज। और ये स्वैन वाला टेबल रनर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। आप लोग मुझे बताइए कि इस जनपद मार्केट के व्लॉग में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें कौन सी लगी। प्लीज़ डू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो। इनफैक्ट आपको यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड कुशन कवर्स, एम्ब्रॉयडर्ड बेडशीट, साड़ी, घाघरा, सब कुछ बहुत ही अच्छे दामों पर मिल जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। गुजराती लेन में आने के बाद नवरात्रे और गरबा की तो एकदम से याद आ गई। हम लोग लगभग 11:30 से 12 के बीच में घूमने निकले थे। अब इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि भूख तो लग ही गई, तो ठंडा ठंडा दही बड़ा खाना तो बनता ही है। ये भैया हमें दही बड़ा बनाने का प्रोसेस पूरा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। अरे यार, इस वीडियो में फिर से देख के तो मुंह में पानी ही आ गया। आप बताओ आपको कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये देखने में। एंड ऑल्सो यू गाइज, दिस दही बड़ा वॉज वेरी डिलीशियस एंड टेस्टी।
अब इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा दही बड़ा खा के गुजराती लेन में घूमने का तो मजा ही और है। एक तरफ दही बड़ा और दूसरी तरफ शॉपिंग ही शॉपिंग। ऑल राइट यू गाइज, नाउ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट थरली। अगर आप लोगों को पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, प्लीज हिट लाइक टू दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एज यू नो वी नीड योर सपोर्ट, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।